हे हैगाइज़ आज के इस वीडियो में आपको वजीराक्स की एक नई स्केल्पिंग ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप पर डे हंड्रेड डॉलर भी अर्न कर सकते हैं तो वो ट्रिक कौन सी है कैसे वर्क करती है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इन सारी चीज़ों पे डिटेल में बात करने वाले हैं इसलिए प्लीज़ वीडियो को बिना स्कीप के एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इस ट्रिक के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा और एक बार पहले भी मैंने ट्रिक के बारे में वीडियो बनाया था लेकिन यह वाला वीडियो उससे बिल्कुल डिफरेंट है इसमें आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है सारी चीजें बात करते हैं सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है वजीर के एप्लीकेशन पे जाना है और वहाँ पे मैंने आपको एक बार एक वीडियो में सिखाया था ना कि यहाँ डे ट्रेडिंग करने के लिए कोइन्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है नहीं मैं आपको शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ और हाँ अगर आप चाहो तो इस ट्रिक को किसी और एक्सचेंज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो सेम इसी तरीके से वहाँ पर भी वर्क करेगी तो वजी रक्स में जाने के बाद आपको क्या करना है वहाँ पर सबसे ऊपर जो कोइनज जा रहे हैं जहाँ पर टॉप फाइव कोइन को सिलेक्ट कर लेना है फिर वहाँ पे उनमें से भी जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आ रही है जो सबसे ज़्यादा ऊपर जा रहा है उस कोइन को सिलेक्ट कर लेना है और आपको हर दिन वहां पे अलग अलग कॉइन मिलेंगे डे ट्रेडिंग करने के लिए ठीक है और एक चीज का आपको ख्याल रखना है अगर मार्केट डाउन हो तो आपको ये ट्रिक अप्लाई नहीं करनी है मार्केट डाउन में आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा जब आप कॉइन सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे जाना है और उसके बाद में आपको क्या करना है मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके समझा देता हूँ ठीक है तो गाइज मैं आ गया हूँ ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है जो आपने वजीरक्स पे जो को इन सेलेक्ट किया था उसको यहाँ पे आके सर्च करना है और उसका चार्ट ओपन कर लेना है वहाँ पे इथेरियम क्लासिक टॉप ही टॉप पे आ रहा था उसमें वॉल्यूम ज़्यादा थी तो मैंने उसका चार्ट ओपन कर लिया है चार्ट ओपन करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम को छोटा करना है क्योंकि अपन स्केपिंग करने वाले हैं तो यहाँ पे वनडे लिख रहा है उस पर एक बार क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फाइव मिनट का चार्ट ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा हो गया इसको थोड़ा जूम कर लेना है ताकि आपको समझ में आए अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा इतना करने के बाद आपको क्या करना है इंडिकेटर्स पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है ई मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल और उस पर तीन बार टेप कर देना है ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में तीनों एमए आ गए हैं अब इनकी आपको सेटिंग करनी है तो सबसे पहले पहले वाले पे क्लिक करना है और इसकी सेटिंग के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो इसका कलर है उसको चेंज करना है आप अपने अकॉर्डिंग भी कलर ले सकते हो मैं यहाँ पे रेड ले लेता हूँ और यहाँ पे भी इसकी साइज को इंक्रीज कर देना है और यहाँ पर इनपुट्स है उसको नाइन ही रहने देना है ये लेंथ है ना वहाँ पे इसको नाइन ही रहने देना है और ओके कर देना है ठीक है फिर बीच वाले पे क्लिक करना है और उसके सेटिंग आइकन पर क्लिक करना है और इसकी लेंथ को आपको सिक्स कर देना है और यहाँ पे स्टाइल पे जाना है और इसका जो ये कलर है उसको तो ऐसे रहने देता हूँ और उसकी जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर देता हूँ यहाँ पे ओके okay कर देना ठीक है ठीका? अब तीसरे वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसकी सेटिंग का आइकन पे क्लिक करना है और उसका कलर पे जाना है इस कलर तो यही रहने देता हूँ इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करके और यहाँ पर इनपुट्स में इसकी लेंथ उसको तीन कर देना है थ्री ठीक है और ओके okay कर देना है बस आपको इतना सा काम करना है आपको इतनी सी सेटिंग करनी है अब इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको इसका फायदा कैसे उठाना है ये किस तरीके से वर्क करता है ठीक है तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ इसका याँ एक यहाँ का एग्जाम्पल लूंगा फिर यहाँ का एग्जाम्पल लूंगा और फिर मैं करंट लेवल की बात करूंगा यहाँ पर ये कैसे वर्क करता है ठीक है तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए तो सबसे पहले यहाँ की बात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैसे वर्क करता है यहाँ पे किस तरीके से आपको एंट्री लेनी है और प्रॉफिट बुक कैसे करना है तो यहाँ पे क्या करना है जब ये थ्री ई पीरियड वाली लाइन है ये येलो लाइन इन सिक्स ई पीरियड और नाइन ईम पीरियड को क्रॉस ओवर कर दे यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर क्रॉस ओवर कर रही है लेकिन यहाँ पे इस कैंडल के पीछे इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन ये क्रॉस ओवर कर दिया है और क्रॉस ओवर करने के बाद थोड़ी ऊपर आ जाए और यहाँ पे बाइंग प्रेशर भी हो तो यहाँ पे आपको एंट्री ले लेनी है और यहाँ पे तब तक रहना है जब तक ये थ्री ईम पीरियड वाली लाइन है येलो लाइन इस सिक्स ई पीरियड और नाइन ई पीरियड को क्रॉस ना कर दें ऊपर यहाँ पर यहाँ आप चाहो तो यहाँ पे भी निकल सकते हैं नहीं तो आपको कंफर्मेशन मिला नहीं है तो यहाँ पर आप यहाँ पे भी निकल सकते हैं और छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और वैसे भी इसके हेल्पिंग में छोटे छोटे प्रॉफिट बुक किए जाते हैं और यहाँ पे अब आप, आप सोच रहे होंगे ये तो एम की तरह ही है एम की तरह वर्क करता है तो भाई ऐसा नहीं है आप खुद ट्राई करके देख लेना ये एम से तो अलग है यहाँ पे आपको कंफर्मेशन अच्छे से मिल जाता है एम में कंफर्मेशन इतना नहीं मिल पाता है लेकिन यहाँ पे थ्री ई एम ए स्ट्रेटेजी आपको कन्फर्मेशन अच्छे से मिल जाता है तो यहाँ पर कन्फर्मेशन कब मिलता है जब ये थ्री एम पीरियड वाली की येल्लो लाइन है ये सिक्स ई एम पीरियड और नाइन ई एम पीरियड को क्रॉस ओवर कर दे यहाँ पे देख पा रहे हैं ना चलो यहाँ की बात छोड़ दे यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा यहाँ पे देख सकते हैं थ्री एम पीरियड वाली येलो लाइन है सिक्स ई एम और नाइन ई को क्रॉस कर दिया है यहाँ ऊपर आ गई है और यहाँ पर बाइंग प्रेशर भी ज़्यादा है तो यहाँ पे प्राइस ऊपर की ओर चली गई है और मैं इसको थोड़ा नीचे की ओर करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये येलो लाइन ऊपर की ओर है तो यहाँ आपको यहाँ तब तक रुके रहना है जब तक ये थ्री एम पीरियड वाली लाइन ये सिक्स ई एम ए और नाइन ई एम ए को क्रॉस ना कर दे ठीक है यहाँ पे क्रॉस किया तो यहाँ पे आप निकल सकते हो और यहाँ तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये थ्री एम ए स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है और आपको इसका फायदा कैसे उठाना है प्रॉफिट बुक करने के लिए अब मैं करंट लेवल की बात कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा इधर लेफ्ट साइड में करते हैं इसको यहाँ पे करंट लेवल की बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये थ्री एम पीरियड वाली लाइन है अभी ये सिक्स ई एम पीरियड और नाइन ई एम पीरियड को क्रॉस करने वाली है तो आपको बस इतना सा कंफर्मेशन मिलना है कि जब ये थ्री ई एम पीरियड वाली लाइन इन दोनों को क्रॉस करके ऊपर की ओर आ जाए और थोड़ा सा बाइंग प्रेशर हो तो आपको एंट्री ले लेनी है और तब तक रुके रहना है जब तक ये थ्री एम पीरियड वाली लाइन ऊपर जाके इन दोनों को क्रॉस ना कर दे अब भले कितना ऊपर जाए क्रॉस होते आपको वहाँ पे निकल जाना है ठीक है इतना सा काम करना तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए यहाँ करंट लेवल की बात कर लेते हैं यहाँ पे आप देख रहे थे थ्री एम वाली पीरियड वाली लाइन अभी तक क्रॉस नहीं कर रही है जब तक ये क्रॉस न कर दे तब तक आपको कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा और थोड़ी ऊपर ना आ जाए तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है और आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर आप स्केल्पिंग कर रहे हैं तो पे टाइम फ्रेम फाइव मिनट का ही होना चाहिए ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इस ट्रिक से कैसे बेनिफिट उठाना है कैसे एंट्री लेनी है कैसे निकलना है अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो वो भी बता सकते हैं वीडियो में अगर आपको जरा सा भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी आपको इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे तो दोस्तों आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट करके बता दीजिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय